धन्यवाद है साहब, मतलब गहलोत जी ने इतनी स्कीम में दी, आता नहीं कौन दी मान देश के प्रधानमंत्री कोई चीज कौन दी मान इसी लाभ दिए बना दी। विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृष्णा पुनिया का जो है वो फूल मालाओं के साथ में स्वागत हो रहा है यहाँ पे धानोठी बड़ी के अंदर पहुँचने पर। ये तस्वीरों के अंदर आप साफ देख रहे होंगे सारी सारी कुर्तियों गहलोत जी ने इतनी चीजें दे दी, गरीब आदमी हो गए चूल्हे तक माने खानो मुझे। अच्छा गरीब ने तहसीलदार और थोड़ा सा है जब आदमी का पंचायत समिति सिद्धमुख है और फिर यहाँ बाई तरफ देखे बाद्रवंता राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख सिर्फ आजादी के बाद एक बार सीसरा में मिले आया था, उसके बाद दोबारा यही नेता, ये दबंग नेता नहर कार विकास का काम यही नेता कर सकती है और किसी की वसी बात। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इस बजट घोषणा में 80,65,097 डायरेक्ट 112 रुपया 33 पैसा 26 का मांग लिए मंजूर किया पूरा भैया पूरा करोड़ों सो रहा है बोले को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑफ 46 न्यू विलेजेज ऑफ तहसील। और जो चुनाव आया पग पगड़िया बेटा बोले राम सिंह की जय हो, राम सिंह की जय हो, कमला की जय हो, प्रीत सिंह की जय हो, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो नजर आ रहा है कृष्णा पुनिया जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है और पूरा में जो बसपा पार्टी के मनोज नांगले भी यहाँ से विधायक है, लेकिन फिलहाल धानोठी गांव के मौजूद है कांग्रेस पार्टी की पद्मश्री कृष्णा पुनिया इस गांव के अंदर पहुंचे हैं और काफी लोगों के साथ में फूल मालाओं के साथ में इस गांव में पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है। और जिस प्रकार से चुनाव तय हो चुके हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, गांव के गणमान्य लोग यहां पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या आखिरकार की अभी फिलहाल की जो कांग्रेस पार्टी है उनका क्या वर्चस्व रहा है 5 साल जो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 2030 का टारगेट लेके चल रहे हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने एक पट्टा यहाँ पे ले रखा है। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम? धन्यवाद राजेश पुनिया। ये 2030 मिशन लेके जो है कृष्णा पुनिया जी चल रहे हैं, इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है और किन चीजों को देखते हैं? इनका 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया काम किए तहसील के अंदर, जो ऐतिहासिक काम किए हैं जिन्होंने अभी तक किसी ने नहीं कराए, इतना काम कृष्णा पुनिया ने कराया है। ऐसा कोई कार्य बताना चाहेंगे आपके क्षेत्र के अंदर, आपके गांव के अंदर, जो पिछले कई सालों से अटका पड़ा हो, तो कृष्णा पुनिया के आते ही उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके गांव के लिए एक सुविधा युक्त हमारे एरिया के अंदर अभी पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। हम बॉर्डर एरिया में आते हैं, हमारे पानी की सबसे बड़ी समस्या पहले से सदा हमेशा से थी और कृष्णा पुनिया ने हमारे गाँव के लिए एक टंकी पास करवा दी है जो अभी निर्माण हो जाएगी और पानी टंकी के पानी आने के लिए वहाँ भीमसाणा के अंदर एक डैम का वो करवा दिया है, वो डैम बनेगा, उससे हमारे गांव के अंदर हमारे एरिया के अंदर पानी की सप्लाई अच्छी सुचारू रूप से होगी, उससे प्रभावित होकर हमारे सभी ग्रामीण इलाके हमारे सब वो कृष्णा पुनिया के वो प्रभावित होकर उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं जी। कौन से गाँव से? मिठी रेडू से। मिठी रेडू से पहले भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, उनको बदल करके जो है कृष्णा पुनिया को चुना, खेल से संबंधित हैं, राज्य के अंदर जो है वो अध्यक्ष चुना गया है, तो खेलों से संबंधित भी कोई सुविधा दी है? खेलों से संबंधित कृष्णा पुनिया ने इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम राजगढ़ में कबड्डी अकेडमी बनाई है, खेलों के प्रति मतलब लोगों का इतना रुझान बना है कि मतलब बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्राउंड है और उससे मतलब बच्चे खेल के मतलब आगे बढ़े हैं बहुत ज्यादा, खेल के प्रति मतलब खेल ये ओलंपियन है इसलिए इसने मतलब खेल के प्रति सबसे ज्यादा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, सामाजिक व्यवस्था के लिए सभी में मतलब बढ़ चढ़ के काम किया। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में उप जिला अस्पताल मतलब कर्मोन्नत करवाया है सादुलपुर का, PHC से CHC सिद्धमुख में बनवाई है और गाँव में प्राथमिक शिक्षा अस्पताल हैं वो मतलब 10 और नए खुलवाए हैं, पशु चिकित्सा कर्मोन्नत करवाए हैं, मतलब अनेकों कार्य जो लोगों को जरूरत थी वो कार्य जरूरत से भी ज्यादा मतलब काम करवाए हैं,
पानी का घर घर नल के प्रति मतलब हर गांव में या तो नल पहुंच गए हैं या नल का काम चल रहा है। और एक भीमसाणा में 27 गांवों का मतलब अपनी योजना का पहला फेज था उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो वहां एक डैम बनवाया है 81 करोड़ उसमें लागत आई भीमसाणा डैम। देखिए भाई, यहाँ के लोगों की एक मुख्य समस्या जो बताई जा रही है कि पानी की, क्योंकि चूरू जो जिला है वो बताया जाता है कि पानी के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को जो है वो खेती बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। और कृष्णा पुनिया के आने के बाद लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक डैम की सुविधा की गई है, कुछ लोग और हैं यहाँ पे, और ताजा अंकल जी ने पट्टा पहना है, उससे बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम। और क्या हाल चाल है? ठीक सौ पट्टो पहली बाज सोच की पैरू है, विकास का काम बढ़िया कर रही है। मतलब इससे पहले कौन सी पार्टी जुड़ रहा था? कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से। दादा बाबा दादा भी कांग्रेस से। तो इनके राजस्थान में कुछ कांग्रेस ने काम करे है? गरीबान जरूरत हो है कि अपना बालक बड़े स्कूल में पढ़ा लिया, फ्री मिल जाए दवाई पानी, ताकि मतलब ज्यादा जोर ना पड़े, इन चीजों पर जोर दियो है। ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे थे, काफी लोगों ने जो है वो अलग अलग पार्टियां छोड़ करके जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, कृष्णा पुनिया के हाथ मजबूत किए हैं यहाँ पे, और काफी जनसंख्या जो है वो यहाँ पे दिख रही होगी। कृष्णा पुनिया जी से भी बातचीत करेंगे कि लोगों के इस प्रकार से प्रतिक्रिया जो है वो क्या कुछ कहना चाहेगा। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करना चाहेगा। राहुल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आज कृष्णा पुनिया का प्रोग्राम आया हो? हाँ, नेता चुनाव आगे प्रोग्राम तो करेगा। हाँ, कृष्णा पुनिया के बारे में क्या कहना आपको? अरे मुकाबला बोलियो, अरे मुकाबला एक ही बोलियो, कोई को नहीं। हमारी लोकप्रिय विधायक पूरा को पहली को विधायक रहे हैं, बस बात है। मनोज ने हमारे इनो का लिया सारा, मेरे मर लिया सारा, वो तेरा के सरपंच मर लिया सारा, सो तो मर लियो ईशो आयो को नहीं है तो सिर मर दो इबके आई है पर के पल के राजी अभी फिर आनी चाहिए या हमारी आत्मा में दिया है तो ईशो को काम पार्टी के नेता जिसका आपने लगा कि भैयो हमारे खातर बहुत जरूरी है और कृष्णा पुनिया करवाया हमारे खातर बहुत जरूरी है तो ये बातें थाना में रोज ठहरन ला। अच्छा, मेरी उन तो पुलिस को लगी दो साथी इन कोयला और पुलिस एक दफ्तर से निकल के रोड को मारते हैं तहसील के विकास को नया आयाम देने के लिए। नेता बोला है तो 5 साल को तो चर्चा में रहे हो, किस कारण रहे हो? किस चीज है ते बड़ी की कोई काम फोन करा के बढ़िया काम करवाए, सोच बहुत अच्छी है। फलानो चाहते को तो मैं बात करूँ, जो कहे को तो बात बने नहीं, बने को नहीं वो चीज बने को नहीं बने, सीधा आ जाओ कहेंगे सिफारिश करते बने काम दुनिया ये थे कृष्णा पुनिया जी के प्रति लोगों के विचार। आप लोगों के क्या कमेंट है? आप लोगों की राय बताएं। कृष्णा पुनिया जी से बातचीत करेंगे, महिलाओं ने चोरे पहना करके उनका स्वागत किया है, लोगों ने खिताब देकर के यहाँ पे हार्दिक स्वागत किया है, और 25 नवम्बर जो चुनाव की तारीख तय हुई है उसी दिन तय हो जाएगा राजगढ़ की राजनीति के लिए क्या कुछ होने वाला है। अपने जैसे बात हमने जनता के बीच में रहकर जनता के काम किए हैं, उनके सुख दुख में हम हमेशा शामिल रहे हैं, और लंबे वर्षों से विधानसभा क्षेत्र सादलपुर जो है विकास की बाट जोता था, थाने तहसील की राजनीति से वो दुखी हो चुके थे और वो चाहते थे कि हमारे सादलपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। विकास की राजनीति को आज यहाँ की जनता सम्मान दे रही है, और तब एक आम सम्मान्य कार्यकर्ता सम्मेलन को एक बड़ा रूप आप देख सकते हैं। देखने में है कि सारे जो लोग संतुष्टि जाहिर रहे कहीं संतुष्ट है, लेकिन राजस्थान में एक धारणा है कि एक योजना कांग्रेस और एक योजना भाजपा की सरकार, को इस धारणा में कितना विश्वास करता है? देखिए, राजस्थान सरकार हर जन तक पहुंची है, हर घर तक पहुंची है। मैं ये कह सकती हूं कि महंगाई राहत कैंप के जरिए हमने
मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को पहुंचाया है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा को पहुंचाया है, बिजली फ्री स्कीम है उसको पहुंचाया है, अन्नपूर्णा योजना है, किसानों के लिए बिजली फ्री है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको हम जनता के बीच में लेकर आए। और दूसरी तरफ से ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है राजस्थान के अंदर 200 के 200 में जहां पर विकास के कार्य ना हुए हों, इतने शानदार कार्य हुए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। पहुंची गांव के गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया, कुछ लोग यहां पे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि चुनाव हैं, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, नमस्कार। आज कृष्णा पुनिया जी यहां इस गांव के अंदर पहुंची हैं, जिस प्रकार का लोगों का जो रुझान था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और पिछले 5 साल के बदले अब की बार का चुनाव कैसा होगा? देखिएगा, ये जितने भी लोग आए थे वो दिल से कृष्णा जी के साथ हैं और कृष्णा जी के कामों से प्रभावित होकर वो लोग आए थे। ये यहाँ जो आज मीटिंग थी वो कोई आम मीटिंग नहीं थी, मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग आज थी। हर पंचायत से 5, 4, 7 लोग, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा साथी यहाँ पहुँच गए। आपने देखा होगा कुर्सियों की कमी पड़ी, क्योंकि इतने कार्यकर्ताओं बुलाया नहीं था, कम साथियों को 5, 5, 4, 4 मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया था, इसलिए ही कि आपको इस चुनाव में किस प्रकार से किस रणनीति से काम करना है, ये दिशा निर्देश कृष्णा जी सबको इकट्ठा होकर करके दे, इसके लिए बुलाया था। तो ये लोग सब दिल से आए हुए थे, कृष्णा जी के साथ हैं, और कृष्णा जी ने वो काम किए 5 साल में इस क्षेत्र के अंदर जो आज तक आज़ादी के बाद में कोई भी नेता कर नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव जो है, आने वाला चुनाव, ये कृष्णा जी के पक्ष में होगा। यहाँ के लोग कृष्णा जी के साथ रहेंगे और कृष्णा जी का जो साथ जो लोग दे रहे हैं उनका इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, सब लोग इस बात से चाह रहे हैं कि क्षेत्र में अमन चैन शांति कायम हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों को खुशहाली मिले, इसकी बात की सर। एक बार हम किसी गांव के अंदर गए थे, आप ही गांव के अंदर, कृष्णा पुनिया जी के बारे में एक विचार हमने सुना कि भी कृष्णा पुनिया के जांच के साथ के जो वर्कर हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। यहां हम आए तो कुछ लोग इस बात के लिए खुश थे कि भी चलो ठीक है, बिचौलिया से तो पंडा छूटे, हम डायरेक्ट तो मिलना है, इसके बारे में क्या? देखिएगा, कृष्णा जी ने पहले दिन ये कह दिया था कि आपको किसी को साथ लेके आने की जरूरत नहीं है, और 5 साल तक उसी कार्यशैली पर काम किया है। जो भी गांव का आदमी गया उससे नहीं ये पूछा तुम किस जाति का किस धर्म का है, नहीं उसको ये पूछा तेने वोट दिया नहीं दिया, नहीं उसको ये पूछा, हाँ नहीं ये पूछा कि आगे दोगे, उसने पूछा तेरा क्या काम है, उसका काम पूछा और उसका काम किया, लोग इस बात से बड़े खुश। तो मैदान में जैसे टक्कर लोग मानते हैं बीजेपी से, लेकिन यहाँ राजगढ़ की राजनीति अलग ही है। नहीं, बीजेपी से हो, बीजेपी से होगी, बसपा पार्टी के मनोज बसपा बसपा कुछ नहीं। देखिएगा, बसपा का वाला जो मामला था वो तो हो गया, बसपा के साथ माइनॉरिटी के वोट थे, बसपा के साथ SC ST के वोट थे, वो मूल वोट कांग्रेस के ही थे, और कांग्रेस का कोई मजबूत कैंडिडेट ना होने की वजह से बसपा के साथ जुड़ गए, वो तमाम के तमाम वोट इस चुनाव में मतलब बसपा छोड़ के और कांग्रेस साथ जुड़ गए। ठीक है, आम जनता के लिए कार्य होते हैं, चाहे खेल से जुड़ी हुई हैं, ओलंपियन रही हैं, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजी गई हैं, और स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं उनको चाहिए क्या कि भाई अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो उनका खर्चा ना लगे, बच्चे अच्छे स्कूल के अंदर कॉलेजों के अंदर पढ़ लें, इन 3 चीज़ों के ऊपर मुख्य रूप से कहा गया है कि कृष्णा पुनिया ने फोकस दिया है। बहुत काम किया कृष्णा पुनिया ने, राजगढ़ के जिले हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बना दिया, सिद्धमुख में जो है CHC खोल दी, और सब जगह कहीं सब सेंटर सब स्वास्थ्य ऊपर ध्यान दिया है, पीने के पानी पर, तमाम के तमाम स्कूल जो है हमारे गहलोत जी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिए, बहुत स्कूलों में संकाय भी खुलाए गए, एग्रीकल्चर है, साइंस है, साइंस में बायोलॉजी मैथ, इस प्रकार से सब के सब रोडों का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, पीने के पानी की योजना काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, सब लोग संतुष्ट हैं किसान जी के काम से। क्या कहना चाहेंगे आप, इस प्रकार का वजूद बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, 30-40 हज़ार, मतलब एक बात यह भी है राजस्थानी है क्योंकि भी दोबारे एक ने लिया दी तो 5 साल बाद अनु कहे कि राजा बना के कौन रहेगा? ना, सरकार रिपीट होगी, मतलब ऐसा पहली बार होगा फिर, तो इसका मतलब कृष्णा पुनिया जीते ही साहब घणो ही काम करे, कोई कसर ही कौन छोड़ दिए, कोई रहे ही कौन काम, एक नहर नहर को रहे हो और करी दिया सारा वही कर लिया। पानी को जिक्र हो रहे थो कि जो गांव को भीमसेन, कौन सा गांव था, भीमसाना गांव बताया, उसके में डैम बनाया गया, उस टाइम सिंचाई को संबंधित है या फिर गांव के पीने का पानी है, तो यहां की खेती के लिए जो नहरीकरण का मतलब कुछ है पानी, उन 14 गांवों के लिए तो है, उसके लिए विधायक जी ने कह दिया अब की बार जीतेंगे ना तो पूरी राजगढ़ तहसील के अंदर नहर लाएंगे, अब की बार नहर के ऊपर फोकस रहेगा, तो उड़े का लोग किसान मालामाल हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे, जमीन तो अच्छी है ही, नहर का काम है ना, सिर्फ आजादी के बाद एक बार शीशरा में मिले आया था, उसके बाद दोबारा यही नेता, ये दबंग नेता नहर का विकास का काम यही नेता कर सकती है, और किसी के बस की बात नहीं। तो ये विचार थे यहाँ के लोगों के, और कुछ लोग और हैं जिनको साथ में हमने बातचीत की है, ताऊ जी कई देर हो गए, राम 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 राम। ये
गरीब आदमी हो चूल्हे तक माने खाना मिले। अच्छा गरीब ने आ नहीं के बड़े चौधरी गरीब है न उसको सब चीज दवाई डॉक्टर अस्पताल बनाया उसमें गया हो सारी चीज़ दवाई दवाई लिख के दे हैं दवाई भी दे दे हैं दवाई आप ही दें आप ही ऑपरेशन करें चेक चाक करें सबकी सारी चीज फ्री में बादरा करवा के ले सरकारी हम सारी गहलोत जी की बड़ी देन थे। अच्छा। बड़ा बड़ी ऑपरेशन होया और न्यू नाश्ते आ गए और हमारे गरीबों के लिए है रसोड़ी मिलती है घर घर। अच्छा खाने के लिए सारी सुविधा गहलोत जी ने पुगाई। तो देखो भाई ये थी कुछ योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, जैसे चिरंजीवी योजना की बात करें जिसे 25 लाख रुपए तक की एक व्यक्ति को जो है वो सुविधा मिलती है हॉस्पिटल के अंदर। और ओपीएस योजना है, राजस्थान एकमात्र पहला राज्य है जो ओपीएस को लागू किया है। बहुत सारे राज्य हैं वो इस चीज के लिए दावा कर रहे हैं कि अब की बार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। और 1150 रुपए का सिलेंडर था वो कह रहे हैं कि 500 रुपए दे साहब दे हमारी सब्सिडी वापिस आ जाती है मैं आपको ले हूं मैं फिर की नागी के पैसा खत्म। बिजली फ्री मिले है बिजली आवा भी है हां फुल बिजली फ्री आवा 200 यूनिट को लिए ट्रांसमीटर सारे मतलब राजगढ़ में जोधपुर है वो लिए हमारे उरे कृष्णा पुनिया मतलब कृष्णा पुनिया ने धन्यवाद है साहब मतलब गहलोत जी ने इतनी स्कीम में दिया आता नहीं कौन दी मान देश के प्रधानमंत्री कोई चीज कौन दी मान इसी लाभ दिए बना आदमी। और एक गरीब वर्ग को मैं ले गया बाजरा 7 दिन रहे मानो को कोई पैसा नहीं लगे ऑपरेशन होया पथरीगा गुर्देगा सब माने सरकार पेमेंट कटियो बैठी जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गांव के कुछ लोग और दानोठी बड़ी के और बीच में हमने कृष्णा पुनिया जी से भी बातचीत की उनके विचार भी आपने सुने गांव के लोगों के विचार भी सुने आपने। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।